हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करते हैं पवन और अरुणिता के बारे में। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, कुछ सोर्सेस के जरिए है, कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, सो आपसे शेयर करने के लिए आ गई हूं। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पवन और अरुणिता के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनके पास बहुत सारे टास्क हैं और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ ये बात हुई है, उसके बाद उन्हें सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के शूट में लग जाना है। अलग अलग सिटीज में जा सकते हैं और वहां पर लोगों को अच्छे अच्छे हुनर को, अच्छी अच्छी आवाजों को तलाशना भी है और तराशना भी है। सो अब इसी से जुड़ी आगे खबर ये भी आ गई कि इनकी सेट का पूजन हो चुका है। जो सेट बना हुआ है वहां पर पूजा की जाती है सबसे पहले, ताकि कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई अड़चन हो, बाधा हो, तो वो दूर हो जाए। अब इनका मतलब अगर मैं ये कहूं कि आज है गुरुवार और फिर उसके बाद है शुक्रवार, तो थर्सडे और फ्राइडे इनका जो अगले दो दिन का प्रोग्राम है वो यही है कि ये लोग बैंड रिहर्सल्स करने वाले हैं। बैंड रिहर्सल्स मतलब जो एक बैंड होता है जो रियलिटी शोज में और स्पेशली सिंगिंग रियलिटी शोज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनके साथ इनकी बैंड रिहर्सल्स होने वाली है। और इसमें चारों इनफैक्ट पांचों लोग शामिल होने वाले हैं, इंडियन आइडल 12 के चार लोग और सलमान अली, यानी कि दानिश साइली, पवन अरुणिता एंड सलमान अली। तो हो सकता है आने वाले थोड़े समय में आपको कोई पिक्चर्स भी बाहर आते हुए दिख जाए, तो फिर मत कहना मैंने नहीं बताया। सो दो दिन का ये होने वाला है और फिर ये संडे को निकल जाने वाले हैं दिल्ली के लिए। अब आप पूछेंगे दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो वो भी तो एक गुड न्यूज है ना आपके लिए। दिल्ली में ये लोग एक जिंगल रिकॉर्ड करने वाले हैं। जिंगल मतलब क्या, जो एक गाना रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये एक एड फिल्म के लिए, ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो एक गाना रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये सोर्सेस की इन्फॉर्मेशन है मेरी। सोर्सेस की इन्फॉर्मेशन के अनुसार अरुदीप के साथ शनमुख प्रिया भी मौजूद रहने वाली हैं। सो ये भी हो सकता है, हालांकि मुझे कंफर्मेशन इस मामले में अभी तक नहीं मिला है कि ये दोनों पर्दे पर भी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, लेकिन एक बात तय है कि ये किसी एड फिल्म के लिए वो लोग अपनी आवाज दे रहे हैं। अब ये एड फिल्म किसकी है तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी ये ब्रांड ये चाहते हैं कि जिस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए ये वो जिंगल या गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी तरफ से खुद ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो आई विल ऑल्सो वेट फॉर दैट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन इतना बता सकती हूँ कि घर के कंस्ट्रक्शन में जो काम आने वाली चीजें होती हैं या घर में जो काम आने वाली चीजें होती हैं उसका ये ब्रांड है और उस ब्रांड के लिए ये लोग अपनी आवाज दे रहे हैं। तो एक साथ अच्छी खुशी है। अब जस्ट एक शेयरिंग इट विद यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, संडे को ये लोग हैं, 13th है फरवरी और 14th फेब तो आप जानते हैं वैलेंटाइंस डे है, तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? 13th फेब और 14th फेब का कनेक्शन क्या होता है? मुझे क्या पता क्या होता है। अब आप बताइए कनेक्शन क्या है, कैसा है। और मैं तो ये कहूंगी एक साथ बहुत सारी खुशियां आ रही है, बहुत सारे वर्क से एक बार फिर से वो बिजी हो जाने वाले हैं और उन्हें अपना पहला ब्रांड मिल गया है जिसके लिए वो इतने बड़े लेवल पर साथ में आकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं संडे को। पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये सोर्सेस की इंफॉर्मेशन है। सर्टनली मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसे लगी जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।